हे एवरीवन, माई सेल्फ माधवी शर्मा और स्वागत है आपका आरएम सिविल सर्विसेज एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो वैकेंसी है वो हाल ही में अभी निकाली गई थी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। जो हमारा आज का सेशन है वो उसी की नोटिफिकेशन से संबंधित है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक कुल सचिव दैट इज असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इसकी परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन निकाली गई है। जो हमारा इंस्टीट्यूट है आरएम सिविल सर्विसेज एकेडमी भोपाल द्वारा, इसकी जो है डेडिकेटेड क्लासेस कंडक्ट कराई जाएंगी आपको। 15 डेज की वो क्लासेस होंगी, तो इसमें हम उसी क्लासेस जो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो इस एग्ज़ाम का सिलेबस जो है डिफाइंड वो क्या क्या है। सबसे पहले ये जो परीक्षा योजना है ये हम देखते हैं। जो हमारा एग्ज़ाम है वो तीन सेगमेंट्स में होगा। जो सेक्शन ए है वो उसमें जनरल जीएस जो है वो पूछा जाएगा आपसे। आप एक बार पढ़ के मैं बताती हूँ आपको। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान जो है वो सेक्शन ए में इन्होंने डिफाइन किया हुआ है इसके सिलेबस में। इसकी जो मार्किंग है वो 150 है। उसके बाद जो सेक्शन बी है उसमें है विश्वविद्यालय शिक्षा एवं प्रशासन, इसकी जो मार्किंग है वो है 300 मार्क्स की। उसके बाद जो आपका साक्षात्कार है इंटरव्यू वो होगा 50 मार्क्स का। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि इन दोनों सेक्शन में सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो सेक्शन बी का है, दैट इज़ 300 मार्क्स। अब इसका एक बार सिलेबस अच्छे से देखते हैं। जो हमारा सेक्शन ए है वो जनरल जीएस है। एक बार मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति एवं साहित्य जो है उसकी यूनिट 1 में है। फिर 2 में मध्य प्रदेश का भूगोल दैट इज़ ज्योग्राफी ऑफ एमपी। देन मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र। देन अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएँ। एंड देन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो ये जो पांचों यूनिट हैं वो जनरल जीएस है और ये जो है इसका कंटेंट आपको हर जगह अवेलेबल होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो हम जो क्लास प्रोवाइड कराएंगे आपको वो सेक्शन बी की होगी, सेक्शन ए की नहीं होगी। अगर फिर भी आपको इसमें सेक्शन ए में कोई दिक्कत आ रही है, वैसे तो ये है जनरल जीएस का पार्टी, तो हमारा कंटेंट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। इसको कवर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आप वो परचेस कर सकते हो। सेक्शन बी देखते हैं। और हाँ, जो वेटेज भी अगर देखा जाए तो सेक्शन बी का ज़्यादा है। अगर हम कंपेयर करें सेक्शन ए से तो सेक्शन ए का 150 है और सेक्शन बी का 300 है। तो ये जो क्लासेस होंगी हमारी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपको अगर आप ये एग्ज़ाम देने का सोच रहे हो। तो देखते हैं, सेक्शन बी जो है उसमें जो यूनिट 1 है उसमें डिफाइन किया हुआ है इन्होंने हायर एजुकेशन। यूनिट 2 जो है उसमें हायर एजुकेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है। देन यूनिट 3 इज़ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। यूनिट 4 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ मध्य प्रदेश। एंड देन यूनिट 5 एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ यूनिवर्सिटी। टोटल 10 यूनिट्स हैं सेक्शन बी में। यूनिट 6 इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन यूनिट 7 इज़ टीचिंग एंड रिसर्च। देन यूनिट 8 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। यूनिट 9 मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन एंड रेगुलेटरी कमीशन। एंड यूनिट 10 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। जो हमारी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी आपको ऑनलाइन उसमें हम सेक्शन बी को बस कवर करेंगे। सेक्शन ए जनरल जीएस का पार्ट है, मैंने पहले भी बताया आपको वो। उसमें अगर कोई समस्या है आपको, वैसे तो उसके कंटेंट अवेलेबल होते हैं ईजिली, तो फिर भी आप आरएम सिविल सर्विसेज एकेडमी द्वारा ही जो हमारा सेक्शन ए है उससे संबंधित बहुत सारी जो कंटेंट है वो मार्केट में अवेलेबल है, आप वो परचेस कर सकते हो। अब हम देखते हैं हमारी क्लासेस का जो वो की जो शेड्यूलिंग है उसको देखते हैं। सबसे पहले जो आपकी क्लास लेंगे वो हैं डॉक्टर विनीत तिवारी सर। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो सर आपकी क्लासेस लेंगे। द फर्स्ट थिंग इज़ दिस।
एंड जो हमारी क्लासेस हैं उसके जो रजिस्ट्रेशन होंगे ये सेशन ख़त्म होते ही स्टार्ट हो जाएंगे 27 तक है इसके रजिस्ट्रेशन की डेट, उसके बाद आप रजिस्टर नहीं करा पाओगे। उसके बाद भी अगर आप रजिस्टर कराते हो तो फिर जो हमारी क्लासेस होंगी, फिर मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस जो होंगी वो आप देख सकते हो। अगर आपको लाइव क्लासेस का एक्सेस चाहिए तो आपको 27 तक रजिस्टर कराना पड़ेगा आपको, और जो रजिस्ट्रेशन है वो उस सेशन के ख़त्म होते ही स्टार्ट हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ दिस सेशन विल बी 1999 में हम आपको 15 डेज की क्लासेस देंगे पूरी, जिसमें हम सेक्शन बी को डील करेंगे, और जो क्लास है वो लेंगे डॉक्टर विनीत तिवारी सर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।